अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठे शक्करपारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैदा लिया है 400 ग्राम, 400 ग्राम मैदा है ये। दो सौ ग्राम मैंने भूरा लिया है। चीनी आप घर में ही पीस के ले सकती हैं, ये मैं दुकान से लाई हूँ, 200 ग्राम है। ये बेकिंग पाउडर है, ये मैं 1 चम्मच भर के लूँगी। इससे खस्ता और करारे बनते हैं। ये 1 चम्मच भर के मैंने, छोटी इलायची जो होती है उसका पाउडर लिया हुआ है। ये तिल है हमारा, 1 कटोरी भर के लिया है। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर रखा है। घी है, ये हमने घी लिया है 100 ग्राम। ये हम सब इसमें डाल देंगे। हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम इसको। ऐसे ही हम सबको अच्छी तरह से मिक्स करके ये बहुत ही अच्छा बनता है। खस्ता और करारा शक्करपारे बहुत अच्छे बनते हैं ये। इसी तरह से आप भी बनाएं। ये देखिए इसका अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो गोला बन जाता है बिल्कुल। ये चिपक जाते हैं जैसे गोले बन जाते हैं, तो समझिए हमारा आटा मिक्स हो चुका है। अब हम डालेंगे थोड़ा पानी। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको गूंथते रहेंगे, और ज़्यादा ढीला आटा नहीं गूंदना है। रोटी जैसे जिसका बनता है वैसे नहीं गूंदना है, थोड़ा टाइट टाइट आटा गूंदना है इसका, बहुत करारे बनेंगे फिर इससे। ये थोड़ा पानी मैंने और लिया है इसके अंदर। हम ऐसे सबको अच्छे तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए अच्छे से गूंद गया है ये। और इसको बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना, सिर्फ हाथों से मिक्स करना है इसको। ऐसे ही गूंद के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको 1 घंटा भी रख सकते हैं। तो हम इसको ढक कर रख देते हैं, ये 15 मिनट रखेंगे। ये देखिए 15 मिनट हमारा हो चुका है। अब हम इसको बना लेंगे। इसका हम पेड़ा काट लेंगे इस तरह से, हल्का सा मिक्स करने के बाद ये हम पेड़ा ले लेंगे। ये इस तरह से हल्का सा करेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे बेलकर। छोटे छोटे पीस काटेंगे इसको। ये देखिए ऐसे बनाना है। ऐसे ही हम सबको हम ऐसे ही बनाएंगे। इस तरह से हमें बेल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको, थोड़ा मोटा रहेगा ये। ऐसे ही हम सब बेल लेते हैं। ये देखिए इतना मोटा, इससे ऐसे ही रहेगा ये। अब इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जो साइड का पीस होता है उसे हम हटा लेंगे। साइज हम इसका इतना रखेंगे, इतना ठीक है। हम इसी तरह सबको काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारा हम काट लेंगे। और जो साइड का पीस है इसे हम हटा देंगे, जो ख़राब हो रहा है ये वाला पीस भी हटा लेंगे। और इस तरह से सारे बर्फी साइज में हम इसको काट लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, खस्ता बनता है बिल्कुल। ये देखिए हमारा इस तरह सारा कट गया है। और इसी तरह से मैं सारे पीस काट लूँगी। ये देखिए हमारा सारा पीस ऐसे कट चुका है ये। इसी तरह सबको काट लेना है। गैस मैंने ऑन कर रखा है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल हमारा गर्म हो रहा है, अब इस पर हम डाल देंगे इसको। हम इसको इसके अंदर सबको उठा लेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे। हम ऐसे सब इसके अंदर डाल देंगे और इसी तरह से हम सबको फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है और इसको लो पे ही पकाना है बिल्कुल। और ऐसे ही सबको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा ये हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए मसाला बहुत अच्छा कलर आया है, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छा बना है ये। खाने में बहुत ही टेस्टफुल बनता है, चाय के साथ लें आप, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसको। ये सबको मैं ऐसे निकाल लेंगे। ये जो ज़्यादा रेड हो गया उसे मैं निकाल रही हूँ, जो हल्का हल्का कच्चा है उसे मैंने छोड़ दिया है। अभी हो चुका है ये, अब हम सबको निकाल लेते हैं। और गैस का फ्लेम मेरे को लो ही रखना है, नहीं तो जल जाएगा ये। अब ऐसे ही मैं सबको इस तरह डाल दूँगी, इस तरह सारे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा सारा फ्राई हो चुका है ये।
बहुत ही खस्ता और करारा बनता है, और इस तरह से आप इसको स्टोर करके रख भी सकती हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए कितना खस्ता है, बहुत ही खस्ता बनता है ये। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।